हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजरानास किचन। आज मैं आप सभी के साथ सब्जियों वाले रायते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं टेस्टी और मजेदार सब्जियों का रायता बनाना। सब्जियों का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में 200 ग्राम दही ले लिया है। इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर आधा कप कटा हुआ खीरा डालेंगे और ये 1/4 कप टमाटर डालेंगे, 1/4 कप प्याज, 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1/4 कप पुदीना, 1/4 कप हरा धनिया और ये आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को आप इसमें अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच काली सरसों और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और अब हम इसको रायते में पलट के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारा टेस्टी और मजेदार सब्जियों का रायता। सब्जियों के रायते की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजरानास किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।